तो आज दी फूडी गर्ल्स में हम देखेंगे मज़ेदार हरा अंडा मसाला किस तरीके से बनाया जाता है। ये बहुत ही डिलीशियस होता है, इसे रोटी राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं। बट रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बाजू में बेल आइकन है वो क्लिक कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। एक पैन में मैंने सबसे पहले 4 अंडे लिए हैं, इसमें हम पानी डाल देंगे। अंडे डूबने तक हमें पानी डालना है। इसमें नमक डाल देती हूँ मैं और अब फ्लेम मैं ऑन कर देती हूँ और एक बॉईल आने के बाद मैं टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये अंडे सिर्फ 2 मिनट में बॉईल हो जाएंगे। हाँ, सिर्फ 2 मिनट में। 2 मिनट हो चुकी है, मैंने टाइमर बंद कर दिया है और गैस भी स्विच ऑफ कर दिया है। अब ढक्कन लगाकर हमें इसे 15 मिनट ले रेस्ट करने रखना है। 15 मिनट हो चुकी है और ये जो गर्म पानी है इसे फेंक कर मैं इसमें ठंडा पानी भरने वाली हूँ। ठंडा पानी डालने से जो शेल है वो आसानी से पील हो जाती है। ये देखिए कितने आसानी से पील हो रही है। ये टेक्निक से हमने गैस की भी बचत कर ली और अंडे भी बहुत अच्छी तरीके से पक गई है। ये देखिए हार्ड बॉइल्ड एग्स। हरा मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हैंडफुल ऑफ पुदीना लिया है, 7-8 लहसुन, 1 इंच टुकड़ा अदरक, 4-5 हरी मिर्च, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए, और धनिया पत्ता, ऑलमोस्ट डबल द क्वांटिटी ऑफ पुदीना लिया है, और 7-8 मैंने काजू भी लिया है, इससे टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा, ऑप्शनल है ये। इन सब मसालों को हम पीस कर ले लेंगे बाद में। और यहाँ पे 2 प्याज को मैंने ऑलरेडी पीस कर ले लिया है, मीडियम साइज़ प्याज थे ये। एक पैन में 2 टेबलस्पून जितना मैंने तेल को गर्म करके ले लिया है, 2 तेज पत्ता डाल दे। अब पिसी हुई प्याज को डाल देती हूँ, एकदम आराम से डाल दे बिकॉज छींटे उड़ सकती है तेल की। 2 मिनट तक इसे मैंने भून कर लिया है और जो हरा मसाला मैंने तैयार किया था वो भी इसमें डाल देती हूँ और सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देती हूँ और इन मसालों को मैं 2-3 मिनट तक भून कर ले रही हूँ। 2-3 मिनट भूनने के बाद अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालने वाली हूँ। मिक्सी में जो मसाला था उसी में पानी डालकर मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने पानी 1/2 कप यूज़ किया है। अगर आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी पतली चाहिए तो ज़्यादा पानी यूज़ करें, नमक स्वाद अनुसार। अब ढक्कन लगाकर इसे मैं 10 मिनट तक पका कर लेने वाली हूँ। 10 मिनट बाद ये देखिए तेल ऊपर से फ्लोट होने लगी है, इसका मतलब मसाले अच्छी तरीके से पक गई है। अब इस स्टेज में हम अंडे को प्लेस कर देंगे। मैं इसे भाकरी के साथ खाने वाली हूँ इसलिए मैंने ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है थोड़ा थिक ही रखा है। अब जो मसाले हैं अंडे के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए ताकि मसाले अंडे के अंदर तक चला जाए। अब ढक्कन लगाकर सिर्फ 2 मिनट तक हमें इसे पका कर लेना है। 2 मिनट हो गई है, ये देखिए हमारा हरियाली अंडा मसाला बनकर रेडी है। ये बहुत ही इजी रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। कोई गेस्ट आ रहे हो तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए, फटाफट बन जाएगा। ये देखिए ये है मेरी ज्वारी की रोटी, इसे मैं खाने वाली हूँ अंडे के साथ। ग्रेवी देखिए कितनी क्रीमी बनी है। आई होप आपको अंडे बॉईल करने से मसाले बनाने तक की तरीके मेरी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर।